तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्रियों की, विभागवार उनकी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, अब अगली बारी आती है नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह की। तो जयवर्धन सिंह, कई सारे वादे थे, महानगरों और दूसरे बड़े शहरों को समुचित विकास करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा, सभी नगरों में पेयजल, नल, जल शोधन संयंत्र, जल निकासी का प्लान तैयार होगा, संपत्ति कर, बाजार कर एवं विकास शुल्क को युक्ति संगत बनाएंगे, नगरीय क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था में ठेका प्रथा समाप्त करेंगे, नगरों में पार्किंग की व्यवस्था शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को देंगे, महानगरों के समीप सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेंगे, बीआरटीएस से शहरवासियों को परेशानी हुई है इसे बंद करेंगे, सभी नगरीय निकायों में सिटी बस सुविधा प्रारंभ करने की नीति बनाएंगे, नगरीय निकायों के रिक्त पद भरेंगे, सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के बजट में इस साल 28% वृद्धि की है। वहीं बजट की बात की तो निकाय कर्मियों की वेतन, पेंशन, बीमा एवं चिकित्सा संबंधी मांगों का निराकरण करेंगे। इस बार विभाग का बजट 15,666 करोड़ रुपए है। सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के बजट में इस साल 28% वृद्धि की है। इस बार विभाग का बजट 15,666 करोड़ रुपए है। हाउसिंग फॉर ऑल पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एमपी अर्बन सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 488 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। युवा स्वाभिमान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो मंत्री का दावा है कि राइट टू वाटर के लिए काम शुरू हो चुका है। प्रदेश के 378 शहरों के हर घर में पानी 4 साल में पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत हो चुकी है। अर्बन फॉरेस्ट के लिए भी काम हो रहा है। मध्य प्रदेश पूरे देश में जीआईएस मैपिंग में सबसे आगे है। प्रदेश के 34 शहरों की जीआईएस मैपिंग कराकर मास्टर प्लान बना रहे हैं। स्वच्छता के लिए इंदौर मॉडल पर प्लान तैयार किया। 378 नगरीय निकायों के लिए 114 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। तो जिस तरह से अगर नगरीय प्रशासन विभाग की बात की जाए तो सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के बजट में इस साल 28% वृद्धि की है। इस बार विभाग का बजट 15,666 करोड़ रुपए है। हाउसिंग फॉर ऑल पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एमपी अर्बन सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 488 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो महानगरों और दूसरे बड़े शहरों का समुचित विकास करने का मास्टर प्लान बनाएंगे, ये वादे किए गए थे। सभी नगरों में पेयजल, नल, जल शोधन संयंत्र, जल निकासी का प्लान तैयार होगा, संपत्ति कर, बाजार कर एवं विकास शुल्क को युक्ति संगत बनाएंगे, नगरीय क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था में ठेका प्रथा समाप्त करेंगे, नगरों में पार्किंग की व्यवस्था शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को देंगे, महानगरों के समीप सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेंगे, बीआरटीएस से शहरवासियों को परेशानी हुई है इसे बंद करेंगे, सभी नगरीय निकायों में सिटी बस सुविधा प्रारंभ करने की नीति बनाएंगे, नगरीय निकायों के रिक्त पद भरेंगे, सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के बजट में इस साल 28% वृद्धि की है। मंत्री जयवर्धन सिंह का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ उपलब्धियां हैं, क्या कुछ दावे और वादे किए गए थे, कितने वो पूरे हुए, कितने अभी भी अधूरे हैं।
तो जिस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाया है मंत्री जयवर्धन सिंह का, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में पैनल मौजूद है जिसमें हमारे साथ कांग्रेस से अब्बास हफीज जी जुड़े हुए हैं। अब्बास जी आपका स्वागत है। वहीं चेतन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन जी आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। वहीं हमारे साथ में सुरेंद्र तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं जो अर्बन एक्सपर्ट हैं भोपाल सिटीजन फोरम के। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब्बास जी, जिस तरह से अगर एक साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए जयवर्धन सिंह के, तो क्या कुछ उपलब्धियाँ आप बताएंगे? सबसे पहले तो जितनी उपलब्धियां आपने गिनाई, मुझे लगता है कि दर्शकों को आज पता चला होगा इन सारी उपलब्धियों को देख के। अर्बन फॉरेस्ट की बात हो, जीआईएस मैपिंग की बात हो, नगरीय निकाय के बजट की बात हो, प्रावधानों की बात हो, बीआरटी से जो परेशान थी जनता उसकी बात हो, ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी, जो ये कही जाती थी कुछ नहीं कर रही सरकार, कोई काम नहीं करती ये सरकार, हमारी सरकार के ऊपर छींटाकशी बराबर थी, तो ये एक मंत्री की उपलब्धियाँ आज पूरे आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। और ये एक साल का समय है जिसमें आचार संहिता भी है, जिसमें एक शुरुआती दौर भी है सरकार का और खाली खजाने भी हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना है। और ये सब कुछ आज जनता को समझ में आ रहा है कि एक साल जिस सरकार का ऐसा हो तो आने वाले चार साल कैसे होंगे। जी चेतन जी, आपने भी एक साल का कार्यकाल देखा है जयवर्धन सिंह का, तो किस तरह से पूरा अगर इसको आंका जाए तो किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, कार्यकाल एक साल का हो चाहे एक महीने का, परफॉर्मेंस आपकी ही काउंट होगी जी। आप अब ये नहीं कह सकते हो कि केवल एक साल है, आपने एक साल काम कर लिया। आपने राजधानी में एनजीटी के दिशा निर्देशों को इग्नोर करते हुए स्लॉटर हाउस जो बन रहा था उसका भी आपने काम बंद करा दिया। आपने जिस दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहर के सड़कों का निरीक्षण किया, आपने कहा हम बीआरटीएस बंद करके नई योजना लाएंगे, आप बीआरटीएस की सड़कों का डामर नहीं करा पाते साहब, कहने से कुछ नहीं होगा। आप इस राजधानी से लेकर के, राजधानी इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमारा रोल मॉडल है। अगर हम राजधानी में सफाई नहीं करा सकते, राजधानी में पीने का शुद्ध पेयजल हम लोगों को नहीं दे सकते हैं, आपने कहा था कि हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, आप ठेका प्रथा को दोस्त बढ़ावा दे रहे हो। आपके यहाँ एक ठेका प्रथा में माफिया काम कर रहा है, पार्किंग को लेकर के माफिया काम कर रहे हैं। आप नगर निगम की स्लिप अलग रहती, अगर कोई रसूखदार आदमी से कोई बदतमीजी हो जाती वो फोन करता है तो जोडो कहता है कि हमने इनको ठेका ही नहीं दिया। अरे भैया, आपकी नाक के नीचे तहबाजारी हो रही है, वसूली हो रही है और महंगे जी आज भी बदस्तूर जारी है। आपकी नियत अच्छी है तो आप जो कह रहे हो करके दिखाइए ना। आपने कहा ना हम बेरोजगार की समितियों को ये सारे काम देंगे, आप दीजिए, आपको रोका किसने? लेकिन जब तक ये गिरोह नहीं बंद होंगे, और ये गिरोह संगठित गिरोह है, ये साधारण गिरोह नहीं है, इसमें सबकी भागीदारी है, इस मलाई में सब भागीदार हैं, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे नेता हों, ये सबके सब मिले हुए हैं। जिन लोगों के यहाँ गिरोहों का गठबंधन होता है ना सर, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, सारा सिस्टम क्लब से। आज अगर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति क्या है, हम देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी शहर प्रदूषण के 200 के माप के ऊपर कभी नहीं गया, लेकिन हमारा कोई भी बड़ा शहर इस बार 200 के मैप के नीचे आ ही नहीं रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में पर्याप्त पानी गिरा है इस बार, मध्य प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में जो नगरीय प्रशासन को करना चाहिए क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए, घर घर कचरा उठाने का ये एनजीओ काम कर रहा है ना, आपके नाक के नीचे हो रहा है और आप कह रहे हम ठेका प्रथा बंद करेंगे। अरे यार, कुछ तो कहो, आप मिनिस्टर हो, आप सरकार हो, आप 7.5 करोड़ लोगों को सुविधा देने के लिए, सहूलियत देने के लिए एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में काम करो। अगर आपके वर्जन के अपोजिट अगर मध्य प्रदेश की जनता देखेगी तो फिर आपकी कथनी वो करने में कोई अंतर नहीं है। नगर निगम अपने भवन का रख रखाव नहीं कर पा रहा है, और मेरे मित्र भी यहीं भोपाल में रहते हैं, चाहे तो आप मेरे बाद मेरी बात को कंफर्म कर लेना। आज नगर निगम भोपाल की स्थिति है और ये सारे मध्य प्रदेश के नगर निगम की स्थिति, कोई ठेकेदार भोपाल शहर में काम करने को सर तैयार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों को 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीने से भुगतान नहीं हुआ। जो सरकार ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर पाए, जो सरकार अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड समय पर नहीं दे पाए, और इनका वचन पत्र आप उठा करके देख लिए, इन्होंने कहा हम नगरीय प्रशासन में खाली पदों को भरेंगे, अगर एक भी भरा हो तो ये बता दें। इन्होंने कहा है कि हम 7वां वेतनमान देंगे, अगर किसी को भी वेतनमान इन्होंने 7वां दिया हो तो ये बता दें। तो मेरा ऐसा मानना है महंग जी कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित रूप से वे युवा मंत्री हैं, उनको पूरी ताकत के साथ, निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। भविष्य अच्छा है, भविष्य को अगर आप अच्छा काम करोगे, लोगों का भरोसा आएगा, और इसी तरह की लफबाजी करोगे तो जय हिंद वंदे मातरम। सुरेंद्र जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो समस्याएं थी शहरों को लेकर, कई सारी समस्याएं जो इस एक साल में उस दिशा में, उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में किसी तरह के कोई कदम उठते हुए दिखाई दिए हैं आपको, किसी तरह की कोई सकारात्मक पहल दिखाई दी है अभी आपको एक साल में?
पिछले एक वर्ष का जहाँ तक आकलन का सवाल है जी, तो कुछ काम में बेशक इनिशिएटिव लिया गया है जी, आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और स्पेशली मैं भोपाल की जैसे बात करता हूँ नगर निगम की जी, तो हालांकि कुछ समय में यह देखा जा रहा है कि कुछ माह में पॉलीथीन का जो प्लास्टिक कचरा है वो भी कुछ कम हुआ है, हालांकि जो पहले 110 टन हुआ करता था वो अभी 90 टन है प्लास्टिक कचरा। और जहाँ तक पॉलीथीन का सवाल है, जो पहले 10 टन मिलती थी मतलब कचरे में, वो अभी 6 टन मिल रही है, तो इसमें निश्चित रूप से कुछ कमी तो हुई है, परंतु अभी तो बहुत काम करना बाकी है। और दूसरा, एक कुछ अच्छी शुरुआत ये भी हुई है, मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई दूंगा और नगर निगम कमिश्नर को बधाई दूंगा कि उन्होंने कई जगह कुछ जगह स्पॉट फाइंड भी किए हैं जी। और वो बेहद ज़रूरी भी हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा उनमें सुधार आए, वे बेहद ज़रूरी है। और खाली प्लाटों पे भी उन्होंने जुर्माना निर्धारित कर रहे हैं और इसको संपत्ति कर में जोड़ेंगे, एक ये निश्चित रूप से अच्छा कदम है। तो जहाँ तक जो अच्छे कदम है उसको तो हम निश्चित रूप से तारीफ करेंगे, परंतु अभी भी काम तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है जी। तो मेरा ख्याल शुरुआत हुई है जी, और हम क्या क्या बेहतरी हो सकती है, किस दिशा में सरकार को और कदम उठाने चाहिए? हाँ, अभी तो खैर, अब जैसे पॉलीथीन का है, निश्चित रूप से पॉलीथीन एक बहुत बड़ा, मतलब यूँ समझिए कि एक बदनुमा दाग है, इसको हमें बेशक कम करना होगा किसी भी तरह। और दूसरा, जो खाली प्लॉट है उसमें जो बेशक गंदगी होती है, पानी जमा होता है, जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं, डेंगू होता है, और इस तरह के खाली प्लॉटों पर भी जो उनके जो मालिक हैं उस पर निश्चित रूप से जुर्माना लगाया जाना होगा ताकि वो अपने प्लॉट का संरक्षित कर सकें। और भी कई एरिया हैं जिसमें गीले और सूखे कचरे का जहाँ तक सवाल है, वो घरों में ही उनका सेग्रीगेशन हो जाए, वहीं पृथक्करण हो जाए ताकि कोई समस्या न हो। और यदि पृथक्करण नहीं होता है घर में, घर के मालिकों पर, उसमें हम थोड़ा जुर्माने का प्रावधान भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह की और भी कई समस्याएं हैं जो अभी आगे जाके मैं आपको बताना चाहूँगा। और भोपाल में स्पेशली खास तौर से मैं इस प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भोपाल में अभी भी 9 बड़े गंदे नाले हैं जिनका सीवेज कंटिन्यू अभी भी बड़े तालाब में जा रहा है, और इसकी वजह से हमारे भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसकी जल की क्वालिटी में निश्चित रूप से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आया, फर्क इन द सेंस मतलब बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। तो इस पर निश्चित रूप से सुधार की बेशक बहुत ज़रूरत है। अब्बास जी, जिस तरह से चेतन जी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया था पार्किंग माफिया को लेकर, ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में मैं देख रहा हूँ कि पार्किंग माफिया जो है बहुत सक्रिय होता जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि माफियाओं को ख़त्म किया जाएगा, माफिया मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये सक्रिय हुए हैं, अभी आप किसी भी बड़े शहर में जाके देखेंगे आप मध्य प्रदेश के, तो बहुत ही ज़्यादा पार्किंग माफियाओं का यहाँ पर बोलबाला नजर आता है। तो इस दिशा में अब कदम क्या कुछ उठाए गए हैं, हालांकि अब सरकार कह रही है उठाने के, लेकिन अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं इनको रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुए जी, सरकार बदली और उससे भारतीय जनता पार्टी को खासा फर्क भी पड़ा, बहुत हंगामा भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिला शुरुआत। उसकी वजह यह थी कि आपने कुछ वक्त पहले खबरें भी चली सब जगह, और जब शासन भाजपा का हुआ करता था तो किस तरह से किसी ने धोस दी थी एमपी नगर के अंदर भोपाल के, कि वो शिवराज जी के रिश्तेदार हैं, परिवार से हैं, और पार्किंग के ऊपर बहुत हंगामा हो गया था पूरा का पूरा। और वहाँ से ये बोलना भी अंदर खेमों में शुरू हो गया था कि शिवराज जी के परिवार के लोग, ये बहुत बड़ी बात थी जो साबित हुई नहीं हुई बाद में इस पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हाँ उनके परिवार के कुछ लोगों की लड़ाई भी हुई और अखबारों ने छापा भी था, अखबारों पर किसी ने मानहानि का मुकदमा नहीं किया था। अब आज कमलनाथ जी का दृढ़ संकल्प है माफिया राज खत्म करना मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर भी भाजपा राजनीति करती है, मैं लेकिन राजनीति की तरफ ले जाना नहीं चाहता इस चर्चा को, हम सकारात्मक चर्चा करें तो अच्छा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब बड़े बड़े माफियाओं की शुरुआत हो चुकी है और जब कमर कस ली है माफिया राज के ऊपर, तो ये जो तालाब की छोटी मछलियाँ हैं जो तालाब को और प्रदूषित करती हैं वो भी जाएंगी। तालाब से मुझे याद आता है, जो हमारे अर्बन एक्सपर्ट यहाँ पर बड़े बैठे हैं सुरेंद्र तिवारी जी, इन्होंने जो बात कही थी उससे एक बहुत बड़ा घोटाला जो नगर निगमों में भाजपा के शासित जो नगर निगम है उनमें दिखने को मिलता है, जो चेतन भाई ने कहा था कि ये नहीं हो रहा नगर निगमों में, वो नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, कुछ कमियां हो सकती हैं हमारी तरफ से भी रही हो, कुछ फंड्स हमारी तरफ से जाने हों जो नहीं वक्त पर गए हों, लेकिन नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक हैं। कमिश्नर
केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के होते हैं वहाँ पर जो नियुक्त किए जाते हैं, ये भाजपा कह सकती है कि भाई आपका कमिश्नर और हमारा महापौर और ये तनातनी का माहौल तो नहीं हो सकता। लेकिन शहर की पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए तो नगर निगम के भ्रष्टाचार उजागर करती है वो तमाम चीज़ें कि आपने सारे घर बनने दिए बिना प्रपोज पार्किंग के। प्रपोज पार्किंग होती है पार्किंग के बिना, पार्किंग के साथ साथ सेटबैक दिया जाता है जिसका जिसका एग्जीक्यूशन जो है नगर निगम के हाथ में होता है। नगर निगम ने कितने अच्छे से महापौर भाजपा के परिषद भाजपा की क्या किया। बड़े तालाब के जो प्रदूषित पानी की बात की थी यहाँ पर तिवारी जी ने, उसके ऊपर बड़ी एक आश्चर्यजनक एक बात है कि हर साल तकरीबन हर साल 6 से 8 करोड़ रुपये का प्रावधान करता है भोपाल का नगर निगम। BMC जो उसका बजट होता है उसके अंदर 7 से 8 करोड़ रुपया बड़े तालाब की सफाइयों का होता है। आप कभी निकलेंगे तो कुछ सफाई होती दिखती भी है, एक आध बोट चल रही होती है, कचरा फेंक रही होती है, पर उसके बावजूद भी कहाँ जाता है वो पैसा कि अगर हम एक्सपर्ट्स की बात को माने तो 8 से 10 फीट नीचे गाद है बड़े तालाब में जो सीवेज का पानी गया है। अभी टैंक फुल टैंक लेवल पर आ चुका, बार बार शटर भी खुल गए, लेकिन हम अगर ये देखें तो वो कौवे वाली मिसाल है कि पानी में कंकड़ डाल के पानी को ऊपर ला दिया गया, अभी भी हमारा पानी फुल टैंक के बाद भी 7 से 8 फीट नीचे या जो भी उसका सही से मुझे माप नहीं मालूम वो उतना कम रहता है। ये किसका घोटाला है और किसकी नाकामी है? नगर निगम भोपाल जो भाजपा शासित है और भाजपा की परिषद और भाजपा का महापौर है, और हम बहुत समय से महापौर नहीं है, चेतन भाई को खासा अनुभव भी है नगर निगम का, ये बताएंगे भी उसको, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि भोपाल के जनता को प्रदूषित जल पेय जल देना, कि जिसको एक रिपोर्ट ने ये तक कह दिया के मलमूत्र से गया गुजरा पानी है यहाँ का, इतना खराब पानी देने का जिम्मेदार भाजपा है। अब्बास भाई, यहाँ मैं एक थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। तालाब में अभी भी हर साल 17.8 लाख घन मीटर गाद जमा हो रही है, और इसमें हमारा ये दोनों, मैं चाहे आपसे भी निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा गंभीरता लानी होगी और इस गाद को हम किस तरह जल्दी से जल्दी निकालवा सकते हैं इसके बारे में हमें गंभीर प्रयास करने होंगे। इसलिए मेरा आप दोनों से 25 साल के बाद ताला बचेगा नहीं अगर इस मेरा भी यही कहना है कि इसमें हमें थोड़ा सा गंभीर होना होगा। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, चाहे आप कांग्रेस प्रतिनिधि और आप बीजेपी प्रतिनिधि, दोनों से अनुरोध करूंगा कि इसमें थोड़ा गंभीरता से लाएं, और चूंकि आप विपक्ष में तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ये जोर शोर से उठाएं और इसमें गाद को किस तरह कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है उस पर गंभीर प्रयास करें। जी बिल्कुल चेतन जी, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए, अगर जिस राजधानी भोपाल की बात की है, आज तालाब को लेकर बात की है और नगर निगम को लेकर बात की है, तो नगर निगम आपकी है जैसा कि अब्बाजी ने भी बताया, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तनातनी सी रहती है प्रदेश में। सरकार कांग्रेस पार्टी की है और यहाँ पर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, तो एक तनातनी दोनों के बीच में देखने को मिलती है और इसका खामियाजा उठाना पड़ता है शहरी लोगों को, क्योंकि आज समस्याएं जो हैं उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो आखिर कब समस्याओं का निराकरण होगा, कब इस तरह की चीज़ें जो तनातनी बनकर जो शहर के लोग हैं उनके भले के लिए कार्य किए जाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति का जो चरित्र है, जैसे ही सरकारें बदलती हैं उनके एजेंडे बदल जाते हैं, और जब कमिश्नर जो कि CO के रूप में काम करते हैं, प्रशासनिक सारे पावर कमिश्नर के पास रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि या तो नगर निगम वो भंग है या भंग होने के कगार पर, नहीं भी है तो उस नगर निगम का कोई औचित्य बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। एक बात तो ये रही। दूसरा, मेरे मित्र अब्बास जी बड़े तालाब की चिंता कर, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपनी सरकार से जरा निवेदन करिए कि जो गाद जमी है, जो कैचमेंट में बिल्डिंगें बनी हैं, कैचमेंट में स्कूल कॉलेज बने हैं, सरकार में बैठे हुए विधायक का है भाई, कहिए ना, शुद्ध करिए, इन माफियाओं से मुक्त करिए, और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर दिया तो आने वाली पीढ़ी उनका अभिवादन करेगी, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोग इस धरती पर हो या नहीं, आने वाले वर्षों वर्ष तक, आज भी लोग सरदार पटेल साहब को क्यों याद करते हैं, आप कर लीजिए फिर मैं बात करता हूँ। पहली बात तो पूरा खानों गांव का एक बहुत बड़ा विषय है, और पूरा खानों गांव लीगल और इलीगल दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। माननीय विधायक महोदय की आपने बात उठाई, इस पर चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, आप अपने तर्क दे सकते हैं, मैं अपने तर्क दे सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि वो कैचमेंट से बाहर है, आप कह सकते हैं कि वो कैचमेंट में इलीगल है, तमाम चीज़ें हैं। 15 साल आपकी मध्य प्रदेश में सरकार रही है, अगर वो इलीगल था
तो आप उसको ध्वस्त करते, क्योंकि दो बिल्डिंगें माननीय बाबूलाल गौर जी ने वहां पर डायनामाइट से उड़ाई थी, हमें भी याद है, जो कैशमेंट के अंदर थी खानूगांव के, आज से 10-12 साल हो गए उसको, सबको याद होगा यहां पर। या तो वो लीगल है या फिर आपकी सरकार इलीगल कामों को बढ़ावा देती आई 15 साल। दो बातों के अंदर से आपको एक बात जनता को बतानी पड़ेगी, 15 साल में चेतन भाई आप कार्रवाई नहीं कर पाए क्या? इतनी लचर सरकार थी या उसके कागजात सही थे और आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे? मैं आपकी बात, अगर अवैध होने के बाद भी मेरी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से सरकार नकारा थी, जो भी वहां पर बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी और जो लोग इस विषय को देख रहे थे वे नकारे थे। लेकिन नकारे थे तो क्या आपकी सरकार भी नकारापन का ही उदाहरण लेकर? हम तो कह रहे हैं कि वो वैध है। नहीं नहीं, आप करिए ना जांच। हम तो कह रहे हैं जब आप वैध कह रहे हो तो आप नकारा नहीं कह सकते। नहीं तो हमने तो आपसे पूछा ना कि आपका आरोप था तो आप आरोप नहीं है, ये सच है, 100% सच है। और मैं समझता हूँ कि सुरेन जी बैठे हैं, इनके पास सच उसका रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि जिस विषय को लेकर के एमएन बुश साहब जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इस विषय को लेकर के उन्होंने अनेक बार बातें की, सारा का सारा खानूगांव अवैध है। और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं वीआईपी जो सड़क है, उस सड़क के पास आप भी देख रहे हो अब्बास भाई किस प्रकार के अतिक्रमण हो रहे हैं, क्या उस अतिक्रमण को हम वैध ठहरा सकते हैं? बड़ा तालाब इस हमारे शहर की शान है, मध्य प्रदेश की एक पहचान है, क्या उसको बचाने का काम क्या राजनीतिक आधार पर होगा? क्या हम सब लोग बड़े नागरिक होने बड़े के अच्छी बात इसकी, इसकी पहल नहीं कर सकते? एक चीज ये हुई चेतन भाई, क्या हुआ कि मुझे आज भी याद है, एक नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी से मुझे कोई काम था और मैं वहां गया भी था और मेरा कुछ दूसरा विषय था, वहां पर अतिक्रमण अधिकारी काम कर रहे थे अपने लाल घाटी की तरफ, जो कैचमेंट में जो शादी लॉन्स बन गए हैं तमाम, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। इस बीच में एक फ़ोन आता है और वहाँ से वो कहते हैं कि जी माननीय विधायक जी बोली, और वो विधायक जी बोलते हैं तो जनता ने, क्योंकि स्पीकर के ऊपर था फ़ोन तो कोई बात करा रहा था, वो बात कर नहीं रहे थे तो उन्होंने स्पीकर खोल के उस व्यक्ति ने बात करा दी थी। तो हुजूर विधायक वहाँ पर बोल रहे थे कि अरे आप कैसे तोड़ देंगे, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं का है, ये है वो है, और उसके बाद वो कार्यवाही नहीं रुकी, लेकिन ऊपर से एक फ़ोन आता फिर पूरी कार्यवाही रुक गई, आज भी चल रहा है मामला। वहाँ एक बहुत बड़ा विषय, सामने जो दिखते हैं वो हो सकता है कैचमेंट से बाहर है, लेकिन अंदर के जो है बहुत एक लंबी लाइन चली गई है, जिसको मेरे सामने मैं साक्षात उसको देखा है, मैंने सुना है, वहाँ पर कार्यवाही रुकवाई गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे चेतन भाई ने कह दिया कि भाई एक नकारी सरकार थी, वो 15 साल तक जो ये कार्रवाई नहीं कर पाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपने कहा ना, मैंने कहा अगर अवैध, आप तो खुद ही कह रहे हो वैध, आप सरकार में बैठने के बाद वैध कह रहे हो। हमने आपसे जब पूछा कि आपने अगर ये आरोप लगाया तो फिर आप बताइए आपने क्या, देखो आप मानो ना कि वैध राजनीति, यही मानो ना वैध है, मैं कह रहा हूँ ना यही राजनीति है जो इस हिंदुस्तान में अच्छे काम नहीं होने देती है, यही राजनीति है जो सरकार ने बड़ी लाइन खींच के रखती है। अगर सरकार शुद्ध के लिए युद्ध कर रही है मैं उसका वेलकम करता हूँ, पूरी पार्टी उसका वेलकम करेगी, लेकिन सवाल यह है कि चश्मे के नंबर बदल बदल करके मत देखिए, एक निगाह से देखिए ना, करिए कार्रवाई। सारा शहर हमारी सरकार ने अगर कोई भी विधायक ने अगर मंत्री का भी, तो चलिए आप देखिए करिए, हम भी उसका वेलकम करेंगे। एक काम कीजिए, मैं एक काम आप एक काम कीजिए, उसके अवैध होने के प्रमाण आप लाके दीजिएगा सरकार की, शिकायत कीजिए, आप शिकायत इनिशिएट कीजिए, जब कार्रवाई नहीं होगी तो मीडिया के अंदर आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे। सारी चीजें हैं, ये तमाम चीजें सारी चीजें आप करिए ना, चीज वही है, भोपाल के नागरिक की हैसियत से चेतन भाई आपसे शुरुआत करनी चाहिए। सारी चीजें आप कीजिए, नगर निगम में रहा हूँ तब भी कि आप हमारे पर्चे लाके दे सकते हैं, कागजात दे सकते हैं। जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी उस कॉलेज को नहीं तोड़ा गया, और बीच की सरकारों में स्टे लेकर के बैठे, उसके बाद में नगर निगम में नहीं रहा, उसके बाद क्या आपने कहा अगर अवैध है तो तोड़ना चाहिए, मैं भी कहता हूँ अगर अवैध था आरटीआई के पारदर्शी कानून से सब कुछ निकलवा सकते हैं। आप शिकायत शुरू कीजिए, आपकी शिकायत पे जांच शुरू होगी, जांच के अंदर पाया जाएगा, आप उसको उठा करके फाइल देखिए, हम क्यों देखें, आप बताएंगे, आप करिए ना, आप जनता के सामने लाके रखिए, जनता की अदालत है, प्रशासन कहीं नहीं भाग पाएगा आपका प्रशासन। ये मयंक जी, राजनीति तो हो सकती है,
पर कोई सकारात्मक राजनीति ऐसी होती है कि आप उसको एग्जीक्यूशन करवाइए, आप उसमें प्रमाण ला के दीजिए, हम स्टूडियो में एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लगा सकते हैं। दिक्कत यही होती है कि जब भाजपा सरकार थी तब भाजपा से जुड़े लोगों की सारी चीजें वैध थी, आज कांग्रेस से जुड़े सारे लोगों की चीजें वैध है, तो वो दिक्कत वही है। सरकार का प्रेशर तो कहीं ना कहीं रहता ही है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो शहर के लोग हैं उनका नुकसान होता है। सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से अवैध निर्माण हुआ है, ये सारी चीजें हैं, ये शहर के विकास में कितने बाधक साबित होते हैं? अवैध निर्माण तो निश्चित रूप से मैं जी बाधक तो साबित होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर अवैध निर्माण को थोड़ा सा हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको हटाना जरूरी भी रहता है ताकि आगे डेवलपमेंट काम और अच्छे से हो सकें, तो निश्चित रूप से बाधक तो होते ही हैं अवैध निर्माण। जी आपने देखा होगा कि पहले भी सरकार थी और अभी भी जो एक साल के कार्यकाल है, तो कितनी कार्रवाइयां ऐसी देखने को मिली हैं आपको, पहले की अगर बात की जाए 15 साल भाजपा की सरकार थी और अभी पिछले एक साल में, इस दिशा में किसी तरह की कोई ठोस कदम उठते दिखाई दिए आपको? यहाँ मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि बेशक पहले कुछ कदम उठाए गए थे परंतु उतने संतोषप्रद नहीं उठाए गए थे, ये तो मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट। और वर्तमान में भी मैं यही फिर यही कहना चाहूँगा कि अभी भी उसमें और कदम उठाए जाने की सख्त ज़रूरत है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होना चाहिए। जी अब्बास जी, क्या कदम उठाएगी? अवैध निर्माण बहुत बड़ी समस्या है ये, अब सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठा रही है? सरकार ने कदम उठाए, ग्वालियर के अंदर एग्जीक्यूशन हुआ है अवैध निर्माणों के ऊपर। क्या अवैध निर्माण जो आगे बढ़े हुए थे वही बहुत बड़ी चीज थी। देखिए, सरकारें किसी की भी रही हों और सरकारें किसी की भी आए, परेशानी एक बहुत बड़े सिस्टम की है, सिस्टम को सुधारना पड़ता है। चेतन भाई भी इस बात से सहमत होंगे और तमाम लोग यहाँ सहमत होंगे, हम एक दूसरे पर बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं, पर जो नेता बहुत बात की चीज़ है, जो ऊपर सिस्टम के अंदर एक जो पूरा का पूरा बिगाड़ है उसको अगर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाए तो पूरा जो शहर की प्लानिंग है वो ख़राब हो गई है। सेटबैक्स छोड़ने का प्रावधान रहा, वो इनकी सरकार रही हो, हमारे महापौर रहे हो, हमारा परिषद रहा हो, इनका परिषद रहा हो, इनका महापौर रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहीं। आज सड़कें पुराने भोपाल की शायद 40-40, 50-50 फीट की होती हैं या 30 फीट का जो प्रावधान रखा गया, इतनी होनी चाहिए। लेकिन हमारे जैसे एक आम नागरिक भी जब है, हमें एक आम नागरिक की हैसियत से भी सोचना पड़ेगा। मैं अपनी राजनीति को पीछे रख के अगर सोचूं तो मैं अगर अपना घर बना रहा हूं तो कितना सेटबैक मेरा देना है और मैं कितना छोड़, हम नीचे से छोड़ देते हैं और ऊपर से हम उसका कैंटिलीवर निकाल देते हैं। हर एक नागरिक कैंटिलीवर, वो ठेकेदार कहता है कि नहीं साहब मैं 7 फीट तो कैंटिलीवर निकाल दूंगा इसमें आगे और बस उसके ऊपर वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग चले जाएगी, कभी तोड़ेगा भी नगर निगम आके तो ये आपका आगे का टूटेगा पीछे का स्ट्रक्चर बच जाएगा। ऐसे करते करते हर आबादी घने घने एक कॉन्क्रीट का हमने जंगल बना दिया। पूना शहर में था और पूना शहर के अंदर मैं देख के बड़ा अचंभित था कि यहाँ बड़ी हरियाली है और बड़े लोगों के घर फ्लैट में धूप आती है या आता है वो आता। मैंने वहाँ पूछा किसी से तो वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ पर अगर कोई एक पेड़ काटने के लिए आ जाए, एक बिल्डर या एक प्लॉट का मालिक, तो पूरा जो सोसाइटी है, जो पूरी कॉलोनी है, वो उसके पीछे आ जाती है। एनजीटी वगैरह तमाम जगह पे कार्रवाइयाँ होती हैं, या तो वो उस पेड़ को शिफ्ट करवाए, वहाँ मशीन्स मौजूद हैं कहीं और, या उसके बदले में उतना ही बड़ा पेड़, ये नहीं कि छोटा पेड़ लगा दे, उसके बदले में उतना ही बड़ा पेड़ ला के कहीं और लगाए। ये नागरिकों में जागरूकता की बात है। उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा भी बढ़ाएगा तो उसके ऊपर जो आसपास के लोग हैं वो एक्टिव होते हैं कि हमने नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो। उसकी वजह यह है कि आसपास से 20-20 फीट हर बिल्डिंग के अंदर छूटा हुआ होता है और हर जो फ्लैट है वो पूरे मापदंडों के साथ बनता है हर मकान। तो ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि सरकार के साथ साथ पब्लिक में भी एक जागरूकता जो है एनजीओस के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सिविल सोसाइटी का उठना बहुत जरूरी है इन तमाम चीजों में। राजनीति से ऊपर उठ के बात करें, ये शहर और सारे शहर हम सबके और हम सबको भी इसमें योगदान दे। बिल्कुल, चलिए अब अगले मंत्री की तरफ रुख करते हैं। आप बात करते हैं प्रियव्रत सिंह की, जिनके पास ऊर्जा विभाग का जिम्मा है। इनका ये दावा था गृह ज्योति योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया गया, 150 यूनिट से कम जिनकी मासिक खपत है 100 यूनिट पर उसे 100 रुपए का बिल दिया गया। SC ST वर्ग के BPL उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक 25 रुपए का बिल दिया गया। सौभाग्य योजना के तहत 100% घरों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया। स्पॉट बिलिंग की शुरुआत की गई, भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया है। खेती के लिए किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली देने की योजना है। बिजली संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए 19-12 की कॉल सेंटर सेवाएं शुरू की गई हैं। खराब और जले ट्रांसफार्मर को केवल 3 दिन में बदला जा रहा है। उजाला योज
उजाला योजना में। वहीं अगर हकीकत की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में पावर कट की समस्या उभर कर सामने आई है। गर्मी के दिनों में पावर कट की समस्या सबसे ज्यादा थी। भोपाल में मंत्री प्रियव्रत सिंह की मीटिंग में ही बिजली कट गई थी। बिजली बिल में अभी भी कई खामियां हैं। फॉल्ट ठीक होने में काफी वक्त लगता है। तो अब्बास जी, अगर हम ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उसके बाद में एकाएक बिजली कट की समस्या शुरू हो गई, पावर कट की समस्या शुरू हो गई, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस सरकार आ गई, क्योंकि वो जो 10 साल का कार्यकाल था दिग्विजय सिंह का वो याद आने लगा। तो एकदम से इस तरह से बिजली की समस्या आ गई, कैसे? सरप्लस स्टेट है और बिजली की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये तो पूर्ववर्ती सरकार भी कहती आई और हमारी सरकार ने भी कहा। कुछ शरारती तत्व भी पाए गए जिनका सस्पेंशन भी हुआ, आप सबने देखा और आप सबने बताया, अभी जो प्रचार करते भी नजर आए थे और जो तमाम चीज़ें हुई, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी कि कमलनाथ जी जब इलेक्शन वोट डालने गए लोकसभा का चुनाव का, तो वहीं पर बूथ में लाइट चले गई और उस वक्त एकदम बिजली चली गई। वहाँ प्रियव्रत सिंह जी आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर, तो वहाँ भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा आपने बताया लाइट चले गई और वो चाहते, उनसे लोगों ने डिमांड भी की उस वक्त कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि हम ये नकारात्मक काम नहीं करते, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसकी पूरा व्यवस्था करनी होगी। परिवर्तन आए, सत्ता परिवर्तन, सिस्टम में परिवर्तन हो रहे थे और उस दौर से बहुत सी चीज़ों से चुनौती भरी चीज एक वक्त से निकला जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, लोग मजाक उड़ाते थे कि 100 रुपये 100 यूनिट 100 रुपये में कैसे दिए जाएंगे। आज कई लोग ये बता रहे हैं कि सबके बिजली के बिल कम हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग तो कहेंगे नहीं कि उनके बिजली के बिल कम हुए, जैसे हमारे चेतन भाई नहीं कहेंगे कि इनका बिजली का बिल कम हुआ, लेकिन सबके हुए। अब उसके बाद किसानों की बड़ी अहम बात है, ये ऊर्जा विभाग किसानों से भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी फेरना और उसके लिए टेम्पररी कनेक्शंस का लेना, 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर 7.5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर, ये तमाम चीज़ों के लिए किसान पैसे देता है और अपने पानी फेरता है। उसके अंदर प्रियव्रत सिंह जी के ने जब कार्यभार संभाला तो कमलनाथ जी की मंशा थी कि बिजली के जो बिल हैं वो आधे हो जाएं किसानों के, जिससे उन पर जो भार है वो कम हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में पिछले साल तक 3 HP का कनेक्शन 7,959 रुपये का मिलता था, हमारे कार्यकाल में 4,654 रुपये का मिलता है। उसके बाद 5 HP 13,128 रुपया भाजपा देती थी, हमारी सरकार 7,620 रुपया दे रही है। 7.5 हॉर्स पावर का कनेक्शन 20,881 रुपया था, हमारी सरकार में ये 12,069 रुपया है। ऐसे ही 10 HP में 26,050 रुपया भाजपा का था, हमारा 15,035 रुपये का कनेक्शन दिया जाता है और ये किसानों को मिल रही है। ठीक है, आप ये बहुत बड़ी, लेकिन किसानों के बिजली का बिल जरूर हाफ हुआ है, आपने कहा है, साथ में बिजली भी हाफ हो गई है उनकी। ये दुष्प्रचार कह सकते हैं, जो 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 माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि ट्रांसफॉर्मर्स को 3 दिन के अंदर बदला जाना, जले हुए अगर ट्रांसफॉर्मर्स 3 दिन में बदले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेंटेनेंस का काम भी बहुत तेजी के अंदर है। हो सकता है कहीं कहीं कम हुई हो, हम तो 10 घंटे की जगह इनको 12 घंटे करने के ऊपर काम कर रहे हैं और अगले सीजन के ऊपर हम 12 घंटे की बिजली देने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। किसान को 12 घंटे की बिजली मिलेगी अगले सीजन से, तो 10 घंटे से कम होने का सवाल नहीं उठता। जी चेतन जी, आपका बिल हाफ हुआ या बिजली हाफ हो गई? बहुत अच्छा विषय है वैसे, आज मेरे मित्र ने बहुत स्टडी करी और जो कांग्रेस ने छाप के दिया उन्हें पढ़ के बताया, बहुत अच्छा लगा जी। 100 यूनिट पे 100 रुपया, बिल्कुल सही कहा। 150 यूनिट पे कितना है? 385 है शायद, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 100 150 पे। और अगर ये बिजली का बिल 150 से 169 हो जाता है तो उसका बिल है 2823 रुपया, यानी 19 यूनिट बिजली का बिल 1438 रुपया 76 रुपया पर यूनिट। ये गवर्नमेंट का, ये मेरा नहीं है। और अगर मेरे मित्र को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो अपन अभी इसकी सारी चीजें निकाल लेंगे, अब सब यहीं पर है। रही बात आपने किसानों की बात करी, मेरी सरकार के समय में 21,300 रुपया जमा करके किसान का ट्रांसफार्मर लगता था, शायद सुरंजी भाई सबको पता होगा, वो भी आगे चल करके कोट करेंगे। आज क्या है, 1,17,000 रुपये जमा करना है सर, 1,17,000 रुपये।
बिजली का बिल हाफ करते करते बिजली तो हाफ हो गई, आप जरा इस शहर में जाकर के लोगों से पूछो कि बिजली का बिल किस तरह से आता है, बेतहाशा बिजली का बिल आता है। संबल, अगर आपकी नियत ठीक थी तो आपने संबल योजना को बंद क्यों किया? आपने संबल योजना को बंद करके सबसे पहला कुठाराघात एपीएल बीपीएल जो गरीब बेचारे जो बड़े मुश्किलों से अपना दो वक्त की रोटी का पालन करते हैं, आपने सबसे पहली लात उनके पेट पर मारने का पाप किया। बिल्कुल, आप सारी बातों पर जवाब देना। और जहां तक हमारे मित्र कहते हैं कि हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया, सर आपकी सरकार आने के बाद 3 बार रेट रिवाइज हो चुके हैं, 3 बार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महंगी बिजली आपके मुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी से खरीदी जा रही है, ये मेरा घोषित आरोप है, चाहे तो आप इसकी जांच करा लीजिए। क्या इस तरह की बातें, क्या इस तरह के सोच के साथ काम करने वाली कोई भी सरकार हो? आप माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का नाम ले रहे थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आप नाम लेकर के बहुत उपलब्धियों के साथ 4 सितारे लगाना चाहते हो। हमारी सरकार में करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं था, अगर हमने कार्रवाई की है तो बिना किसी भेदभाव के किए। हमने, हमारी सरकार ने ही गरीबों की खाली नहीं रहेगी थाली का नारा दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार में हमने कहा था कि चंबल में या तो डाकू रहेंगे या इस प्रदेश में शिवराज जी रहेंगे। आप उठा करके देख लीजिए, शिवराज जी रहे, डाकू नहीं रहे। और हमारी सरकार जाने के बाद डाकू फिर से आ गए, अपहरण हो जाता है, दो दो लोगों की मौत हो जाती है और आपकी सरकार सोती रहती है। आप ज्यादा दूर मत जाइए सर, मानवता भी कोई चीज होती है, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ सरकार का जो तख्त और ताज है सिर्फ बदल सकता, हम उसी पर आ रहे हैं, हम उसी पर आ रहे हैं। बात करना चाहता हूँ, आप कर लेना यार, मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया ना, आप करिए, नहीं करना चाह रहा। मैं हमेशा कहता हूँ सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, एक मानवता का पक्ष होना चाहिए। क्या सरकार, उस सरकार में बैठे हुए लोगों को किसी भी जगह पर एक दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो जाए और किसी को वहां पर जाकर के देखने के फुर्सत नहीं मिले? आखिर इस तरह से क्या हमारी सरकार में, माननीय बाबूलाल गौर साहब जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था टैक्स हमको इस तरह से लेना चाहिए जैसा भौरा भौरा जाकर के फूलों से रस लेता है। ये हमारी सरकार में नैतिकता के साथ अब्बास भाई कहने का जज्बा रखो। आपने पूना का उदाहरण दिया, लागू करके दिखाइए, पुराने भोपाल में आप अतिक्रमण हटा करके दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि अतिक्रमण कैसे हटता है। और मैं स्वागत करूंगा सरकार का कि अगर सरकार अगर इस तरह से आया और भोपाल शहर को राजधानी के स्वरूप के साथ में एक जो आप विभाग के ऊपर बात कर रहे हैं ऊर्जा विभाग पे, मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मैंने समय पहले ले लिया था, फिर चेतन भाई ने लिया, तिवारी जी से पूछ लीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना सा एक टिप्पणी थी उसके ऊपर, बीच में इन्होंने कहा था कि बिजली के संबंध के अंदर के साहब बिजली के, अगर आप इतना ज्यादा गरीबों की देख रहे थे, सोच रखते थे, तो आपने संबल योजना क्यों बंद कर दी जिसमें बिजली बिल माफ किए जा रहे थे, तमाम चीजें थी और मुफ्त के अंदर भी था मामला। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी योजना संबल की, फ्री बिजली, बिजली बिल माफी के साथ कितने बजट में एलोकेशन का प्रावधान किया था चेतन भाई की सरकार ने, पता है आपको? 200 रुपया एलोकेट किया था बजट में सरकार जब इनकी गई है उससे पहले। 200 रुपये में ये पूरे प्रदेश के गरीबों का बिल माफ करने वाले थे। एक ऐसी योजना जिसके अंदर 1000 करोड़ का एलोकेशन होना था ओवरऑल, उसके अंदर कितना एलोकेट करके गए थे? 50 करोड़ रुपया एलोकेट होके यूज हुआ था। बस ये हालत थी संबल योजना की। संबल योजना पे हमने बहुत डिटेल्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं, तमाम बात भी की, और ऐसी योजनाएं तो बहुत सारी थी। कमलनाथ जी ने आज कहा भी है, हम टेलीविजन की नहीं, हम विजन की सरकार है, तो हम प्रचार प्रसार उसका नहीं करते जो घोषणाएं कर दें, हम काम करते हैं पर बताते हैं, बस इतनी सी बात थी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए, ऊर्जा विभाग की बात कर रहे हैं, तो जो बिजली है बड़ी समस्या रही है पिछले कुछ सालों में, हालांकि बाद में हमारा सरप्लस स्टेट बन गया, लेकिन सरकार बनने के बाद में फिर वही चीज़ सामने आई थी, भले ही कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ये आरोप लगने लगे थे कि वही पुराने दिन लौट कर आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो पिछले एक साल में जो प्रदेश में बिजली आपूर्ति रही है वो किस तरह की रही है? बिजली आपूर्ति बेशक मिली जुली रही है, इसमें कोई शक नहीं जी, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इम्प्रूवमेंट होता रहे। और चूंकि सरप्लस, हमारी स्टेट सरप्लस स्टेट है,
और मैं निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा कि आगे चाहे वो गांव का क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जो बिजली की आपूर्ति आबाद रहे, मतलब उसमें बिना किसी उसके निर्विरोध चलती रहे, मेरा यही अनुरोध है। वैसे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक चल रही सप्लाई तो ठीक है जी। तो जिस तरह से अगर बात की जाए, ऊर्जा विभाग की बात की जाए, तो कई सारे वादे और बजट का प्रावधान किया गया था, कई सारी चीज़ें इस पूरे मामले को लेकर की गई थी। तो इस पर चेतन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा एक बार फिर से कि जिस तरह से अगर देखा जाए, कई समस्याएं, कई सारी चीज़ें, बास जी को भी आपने सुना तो वो अपने तर्क बता रहे थे कि कई शरारती तत्व थे, उनकी वजह से कई कार्रवाई भी की गई इस पूरे मामले को लेकर, क्या यही कारण है जिस तरह से जो परेशानी पिछले एक साल में आई? देखिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा एक बहुत मशहूर किस्सा है हमारे यहाँ मुहावरे के रूप में। तो जो सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाई, वो इसी तरह से इस तरह की ही बातें करती है। ये बचकाना बातें हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हो, किस तरह के आरोप लगा रहे हो? अभी बिजली को लेकर के कोई कमी तो नहीं है ना? पानी भी भरपूर गिर रहा है, अभी तो किसानों को बिजली लगना प्रारंभ हुई नहीं है, अभी भी पावर कट कभी भी हो जाता है। आज भी राजधानी में बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी, कोई इसको दावे के साथ नहीं कह सकता है। मेरा एक प्रश्न था मयंक जी, मैं कहता हूं अगर कोई गंभीर प्रश्न आता है तो कम से कम आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से उस पर उत्तर तो लिया करो यार, क्यों नहीं लेते हो, क्यों इतना डरते हो आप लोग? आप लोग पत्रकार हो, अगर चौथा खंभा भी अगर इस तरह से डर करके बात करेगा तो क्या बात है? मैंने नाम लेकर के कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी से सबसे ज्यादा महंगी दर पर बिजली मध्य प्रदेश शासन खरीद रहा है। आप लोग पूछते नहीं हो क्यों भैया? मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता क्या 7 ठेकेदारों के हाथों में खेलेगी? क्या मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों का गला दबाने के लिए ये सरकार अलीबाबा 40 चोर बन करके बैठ करके काम करेंगे, हम तमाशा देखते रहेंगे? ये चीज ठीक नहीं है। हम सरकार में, हमने पहले भी कहा मैं जी, अगर सरकार अच्छा काम करती है मैं उसका विरोध नहीं, समर्थन करूंगा और खुल करके करूंगा। आप काम करके तो दिखाइए, नकारात्मक विजन के साथ सकारात्मक बात आप करते हो, किस तरह की बात करते हो? आज सरकार आ गई है तो आपके चाल ढाल रंग सब बदल गए। अरे भैया जी, ये हमने बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई हैं, ये तो कुछ वक्त की खामोशी है, फिर जलजला आएगा। तुम्हारा तो अभी वक्त आया है दोस्त, हमारा दौर आएगा और दौर जब भी आएगा गरीबों के सकारात्मक पक्ष में आएगा और गरीबों के जन कल्याण के लिए, किसानों के जन कल्याण के लिए, गरीबों के साथ साथ युवाओं के जन कल्याण के लिए हमारा दौर आएगा। हम सरकार बना करके हम अपने वादों से पलटने वाले लोग नहीं है। आप उनके घोषणा पत्र पर बात कर लीजिए, आप उनके वचन पत्र पर बात कर लीजिए, एक साल क्या है, एक साल में कोई वचन पत्र अगर हुआ है तो आप बता दीजिए। किसान के आज भी वही हालात हैं, आपने कर्ज माफी के जाल में ऐसा डाला, न तो उसका कर्ज माफ हुआ न कर्ज मिल रहा है, तो किसान तो बेतहाशा परेशान है। बिल्कुल भाई, हमारे साथ में आरके बघेल जी भी जुड़ गए हैं जो की ऊर्जा विशेषज्ञ है। बघेल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर देखा जाए प्रदेश में सरप्लस बिजली है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से पावर कट की समस्या आ रही है, किसानों को भी पूरी बिजली नहीं मिल रही है, तो क्या समस्या आ रही है इस सब चीज़ों में? जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है जी, प्रॉब्लम बिजली की नहीं है, प्रॉब्लम है मैनेजमेंट। तो जो हमारा स्टेट का जो पावर डिपार्टमेंट है, वो पावर डिपार्टमेंट जो है उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है, एक तो ये समस्या है। दूसरा ये जो है हमारे लॉसेस जो हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस, ये लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा एक और बात ये है कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को बाकायदा अच्छे तरीके से उपयोग में लेके आना चाहिए। तो सोलर को यदि हम विकसित करते हैं, यदि आप कंपेरेटिव अगर देखें तो सारणी का जो थर्मल पावर प्लांट है और जो NTPC के थर्मल पावर प्लांट्स है, तो उसमें जो अपना एनर्जी इफिशेंसी वाली बातें आती हैं, तो एनर्जी इफिशियंट में ज़्यादा जो NTPC's के जो थर्मल पावर प्लांट है वो ज़्यादा इफिशियंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो सतपुड़ा पावर प्लांट हो गया, उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा इफिशियंट है। तो इफिशियंसी एक तो इम्प्रूव करना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को कम करना, और तीसरा जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में जैसे सोलर सेल्स हो गए, तो जो अभी भी हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में यदि हम सोलर सेल्स का जो डे लाइट्स हैं उनको यदि सोलर में कन्वर्जन कर लें तो हम लोग काफ़ी बिजली बचा के और उस बिजली को जो है हम किसानों को दिया जा सकता है जी। तो लॉसेज डिस्ट्रीब्यूशन कम करना, सोलर एनर्जी का प्रॉपरली मैनेज करना, सोलर एनर्जी को इनकरेज करना, तो इससे हम लोग काफ़ी अपनी बिजली की समस्या को सही तरीके से
एड्रेस कर सकते हैं जी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, अभी पिछली सरकार थी उस समय हम शहरों में बात करें या गांव में बात करें तो जो पावर कट की समस्या उतनी नहीं थी, एकदम से सरकार बदली तो जैसा कि आप कह रहे मैनेजमेंट की समस्या है, तो मैनेजमेंट की समस्या एकाएक कैसे आ गई, क्योंकि मैनेजमेंट तो नहीं बदला लेकिन एकदम से समस्या सामने आई। हालांकि इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि कुछ शरारती तत्व इसके पीछे थे या फिर किसी तरीके से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की बात की जा रही थी, तो क्या मुख्य कारण है कि एकदम से सरकार बदलते ही इस तरह की समस्याएं सामने आई? देखिए, पावर कट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका डेटा तो मेरे नॉलेज में अभी है नहीं, शायद वो आपके पास में होगा जी। मेरे को जो समस्या आती है वो लगती है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को यदि थोड़ा टाइट कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आराम से सॉल्व हो सकती हैं। तो एज सच अभी तो सरकार को एक साल हुआ है, कुछ समय और देना जरूर चाहिए सरकार को, फिर इसके बाद में हम इस पर डिसाइड करें कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ। तो मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ा सा टाइम और सरकार को। मैं बघेल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, अभी हमें समय देना चाहिए जी, समय देना चाहिए। तो कितना समय देना चाहिए जिसमें ये पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए कि जो समस्या भी आ रही है पावर को लेकर, क्योंकि इसलिए ज़्यादा क्योंकि अगर ठीक है, अगर ऊर्जा की कमी होती, अगर बिजली की कमी होती तो थोड़ा मान भी लिया जाता। जब मध्य प्रदेश एक सरप्लस स्टेट है बिजली के मामले में, उसके बावजूद भी अगर समस्या है, उसके बावजूद भी अगर किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, शहरी क्षेत्रों में भी बिजली नहीं मिल पा रही है, तो कितना समय चाहिए सरकार को इस समस्या के निजात के लिए? मेरे ख्याल से आपके चैनल में अभी ये डिबेट पे आया इशू, तो डिबेट में इशू आने के बाद में मेरे ख्याल से अगले साल जब हम इसी दिन पे जब सरकार दो साल पूरे करे तो उस टाइम पे डिबेट पे देना देखना चाहिए कि सरकार ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो कम से कम एक साल का टाइम तो और समय और देना चाहिए सरकार को और समय देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो चल ठीक है, चलते एक इस जिस तरह से अगर बात की जाए, अगर एक साल के कार्यकाल को अगर बात की जाए तो किस तरह से देखा जाए, कितने मार्किंग आप करेंगे अभी तक जो एक साल का कार्यकाल रहा है? सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर आपको अगर मार्किंग करनी हो 10 में से तो इस विभाग के जो मंत्री हैं उनको कितने नंबर आप देंगे? अभी जो एक साल का कार्यकाल जो पूर्ण हुआ है इसमें बेशक अच्छे काम भी हुए हैं, मैं नगरीय प्रशासन की बात कर रहा हूं, और मैं 10 में से 6 मार्क्स देना चाहूंगा जी। ऊर्जा मंत्री की अगर बात की जाए तो उनको आप कितने मार्क्स देंगे? ऊर्जा मंत्री को भी मैं इतने ही मार्क्स दूंगा जी। ठीक है, बिल्कुल। बघेल जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपको मार्किंग करनी हो जिस तरह से अभी जो एक साल का कार्यकाल रहा है उसमें मंत्री को कितने मार्क्स देंगे आप? मैं 10 में से सर ने जैसा दिए 10 में से 6 मार्क्स तो जरूर देना चाहूंगा जी। दूसरा, मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक किया जाए जी, जो सरप्लस बिजली है उसको मैनेज किया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम किया जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से सोर्सेस को जो एनर्जी मिल रही है उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए जी। और एक मैं जिम्मे, हालांकि चूंकि अभी ऊर्जा से मैं चूंकि नगरी भी उसके बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अभी जो विधायक विश्राम गृह के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं जी, मैं वर्तमान प्रशासन से निवेदन करूँगा कि वे इसमें थोड़ा सा गंभीरता से मनन करें और किसी तरह के भी कोई पेड़ न काटे जाएं। और चूंकि अभी जो नए विधायक विश्राम गृह हेतु जो पेड़ काटे जाने इसमें करीब यूं समझिए कि 22 एकड़ हरियाली दांव पे लगी हुई है जी। और चूंकि एक तरह से ये भोपाल के लंग्स का भी काम करती हैं, तो मेरा वर्तमान प्रशासन से भी अनुरोध है, हालांकि पिछली बार भी पिछले प्रशासन ने इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से मनन किया था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था, तो वर्तमान में मेरा यही अनुरोध है कि वे इसको रोकें और हरियाली को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। और दूसरा, पेयजल का जो गुणवत्ता है उसका सुनिश्चित किए, और जो पाइपलाइन बहुत पुरानी बिछी हुई है 32 सालों से, उस वो जो कि नदी नालों से गंदे नालों से गुजरती हैं और उसमें लीकेज हो जाता है और वो उसका पानी प्रदूषित होता है जो कि पेयजल में सप्लाई होता है, उस पाइपलाइन को बदलें। चेतन जी, जैसे कि आप पूरी चर्चा में आप मार्किंग से बचते रहे लेकिन आप मार्किंग करना चाहेंगे ऊर्जा मंत्रालय और? देखिए, प्रियव्रत सिंह जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी जी, लेकिन कई बार क्या होता है कि बरगद के नीचे आम का पेड़ डेवलप नहीं हो पाता, वही किस्सा प्रियव्रत जी का भी है जी। और दो दो बड़े नेताओं की छाँव के कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि वे चाह के भी कई निर्णय नहीं कर पा रहे होंगे। बघेल साहब ने जो बातें इशारे में की हैं ये सबके मूल कारण यही हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि
अगर सरकार ढंग से मॉनिटरिंग कर ले, अपने लॉसेस को बचा ले, तो हम कॉस्टिंग भी कम कर सकते हैं और मध्य प्रदेश को एक बेहतर विकल्प के रूप में अच्छे बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए, समय का अभाव है, चर्चा को हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। बघेल जी आपका, चेतन जी आपका और सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सुबह से लगातार हम अलग अलग मंत्री के विभागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि क्या वादे थे, फिर क्या दावे सरकार कर रही है और उसके बाद क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं, तो ये सभी हमने अलग अलग मंत्रियों को विभागवार रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश किया है। तो जिस तरह से ये चर्चा हमारी सुबह से लगातार चल रही है, हर दावे और वादे की हकीकत पर हमने चर्चा की है और ये जानने की कोशिश की है कि कौन मंत्री कितना कार्य कर रहा है, किस मोर्चे पर कितना वो सफल रहा है और किस मोर्चे पर उसको और कार्य करना भी बाकी है। मैं पत्रिका को भी धन्यवाद देना चाहूँगा।